वंदे मातरम, स्वागत है आपका बिहार झारखंड की बात में। मैं हूं आपके साथ रश्मि से। राष्ट्रपति चुनाव को लेकर देश के सभी राज्यों के विधानसभा और संसद भवन में आज वोट डाले गए। झारखंड विधानसभा में भी कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक मतदान हुआ। झारखंड के पहले मतदाता के रूप में बीजेपी अनंत ओझा, बीजेपी के जो विधायक हैं, उन्होंने वोट डाला। बीजेपी के सभी विधायकों को बस से विधानसभा परिषद तक लाया गया था। इसके बाद सभी विधायकों ने विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी के नेतृत्व में अपने मत का प्रयोग किया। राष्ट्रपति चुनाव में अपने मताधिकार का प्रयोग करने के बाद झारखंड विधानसभा से बाहर निकलते हुए मीडिया से मुखातिब होते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि आप सबको पहले से ही पता है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा ने किसे अपना समर्थन दिया है और हमारे सभी विधायकों ने एक मत से पार्टी के निर्णय का पालन करते हुए अपने मताधिकार का प्रयोग किया है। पार्टी के निर्णय आप से आप अवगत हैं और उस निर्णय के अनुरूप माननीय विधायक और सांसदों ने अपने मतों का उपयोग किया। देखिए, ये सब चीज़ पार्टी की ओर से होता है। पार्टी का निर्देश हुआ, हमने महामहिम जो यहाँ राज्यपाल थी पूर्व में, उनको हमने वोटिंग किया, द्रौपदी जी को, पार्टी का आदेश। एक बात और हम कहेंगे, शायद अभी तक कोई नहीं बोला होगा, जसवंत सिन्हा जी का बेटा, क्या उनको वोट दिया होगा? पार्टी का बात है ना, पार्टी के अनुरूप चलता है, कोई व्यक्ति विशेष नहीं चलता। साथ आके मतदान करने का निर्णय लिया था, फिर आज सभी माननीय विधायकगण एक साथ आकर अपना मतदान कर रहे हैं। आंकड़े तो पर्याप्त थे ही आप लोगों के पास? हाँ, निश्चित रूप से, और जो अपील पर भी लोग सामने आए हैं उसके लिए भी धन्यवाद देते हैं। कई लोग सामने आ रहे हैं, जैसे झारखंड मुक्ति मोर्चा के विधायकों ने किया है, एनसीपी के विधायक कमलेश जी ने समर्थन दिया है, तो एक अच्छा है। तो हम लोग तो हमेशा चाहते थे कि ये चुनाव में जनजातीय क्षेत्र से एक जनजातीय प्रतिनिधि देश में पहली बार सर्वोच्च पद में नामित होंगी, तो अच्छा ये रहता कि हम लोग सब एकजुट होकर एक मत से उनको वहाँ स्थापित करते हैं, तो एक कीर्तिमान स्थापित करते हैं। गुमला जिला प्रशासन द्वारा सावन के पवित्र माह में सभी शिवालय की साफ सफाई को लेकर कई तरह का निर्देश दिए गए थे, लेकिन आपको जानकर आश्चर्य होगा कि इस निर्देश का पालन होता दिखाई नहीं दिया। जिले में जब भी कोई बड़ा नेता आता है तो उन सड़कों को ठीक करवा दिया जाता है जिन सड़कों से उन्हें गुजरना होता है, लेकिन सावन का पवित्र माह शुरू होने के बाद भी जिले के प्रसिद्ध भगवान शिव के मंदिर बुढ़वा महादेव जाने वाली सड़क की स्थिति काफी खराब हो चुकी है। स्थानीय लोगों ने भी सड़क की हालत को लेकर चिंता जताई। लोगों ने कहा कि इसके कारण भक्तों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। सामाजिक कार्यकर्ता दीपक साहू ने कहा कि अभी भी प्रशासन को इस दिशा में कार्रवाई करते हुए सड़क की स्थिति को ठीक करवाना चाहिए। इसको तो प्रशासन को बहुत अधिक करके ध्यान देना चाहिए, क्या कि कोरोना में 2 साल से आदमी ये एक तरह से कहिएगा तो त्यौहार टाइप का रहता है, हर साल सावन आती है और सावन में धूमधाम से आदमी लोग पूजा पाठ करता है, लेकिन 2 साल से आदमी घर से नहीं निकला था, इसीलिए अगर विशेष आदमी उत्साह के साथ पूजा पाठ में लगे हुए हैं, 2 साल से पूजा नहीं हो पाया है, तो हम तो कहेंगे प्रशासन को इस सबको ध्यान देना चाहिए था। गुमला उपायुक्त सुशांत गौरव ने आज मुरमसोकरा गांव का दौरा किया और इस गांव में टाना भगत के समुदाय का निवास है। उपायुक्त ने टाना भगत समुदाय को मिलने वाले लाभ और विकास कार्यों का जायजा लिया। उन्होंने पशुपालन, पशु शेड, सिंचाई की सुविधा के साथ कृषि कार्यों का जायजा लिया। उपायुक्त ने नवाडीह पंचायत विकास पदाधिकारी को टाना भगत समुदाय के विकास के लिए सरकारी योजनाओं का लाभ देने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि आवश्यकता के अनुसार योग्य लाभुक टाना भक्तों को प्राथमिकता के आधार पर आवास का लाभ दें और अपूर्ण आवास का कार्य जल्द से जल्द पूर्ण करने का निर्देश दिया। गांव को एक बार भ्रमण करके महसूस किया कि अभी तक क्या विकास हुई है, किस प्रकार से यहाँ विकास की धारा है और क्या क्या लोगों की अपनी जीने की शैली है, जिस पर हम लोग विकास की जो फाउंडेशन या स्टोरी है वो लिख सकते हैं।
तो कृषि प्रधान से संबंधित सारी चीज़ों को हम लोगों ने देखा, लोगों में जागरूकता थोड़ा स्वच्छता को लेकर कमी थी, हम लोगों ने बताया समझाया है। और आंगनवाड़ी वगैरह की थोड़ा सा दुरुस्त करने की जरूरत है, हम लोग सभी को निर्देश दिए हैं, एस्टिमेट वगैरह बना के यहाँ पर विकास की शुरुआत करेंगे। चतरा में कुख्यात अपराधी कैलू पासवान गिरोह पर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। 50,000 का इनामी सरगना कैलू पासवान एक अन्य सहयोगी के साथ गिरफ्तार किया गया है। एसपी राकेश रंजन द्वारा एसडीपीओ अविनाश कुमार और थाना प्रभारी सचिन दास के संयुक्त नेतृत्व में गठित हंटरगंज थाना पुलिस की स्पेशल टीम ने दिल्ली से गिरफ्तार किया है। आरोपियों से 5 अवैध देसी पिस्टल, 315 बोर का 12 जिंदा अवैध कारतूस और एक बाइक बरामद की है। बिहार पुलिस ने कैलू पर 50,000 रुपए का इनाम घोषित किया था। एसपी राकेश रंजन ने इसकी पुष्टि की है। चतरा जिले में एसडीपीओ चतरा अविनाश कुमार, इंस्पेक्टर प्रमोद पांडे और ओसी हंटरगंज सचिन कुमार दास, इन लोगों के साथ नेतृत्व में एक टीम बनाई गई थी। इस टीम ने लगातार अनुसंधान करके और दिल्ली से इस गिरोह का जो मुख्य सरगना था कैलू पासवान और मनोज पासवान, इसको गिरफ्तार करने में सफलता पाई है। इन लोगों के कन्फेशन के आधार पर हम लोगों ने 5 कंट्रीमेट फायरआर्म्स और लगभग 12 जिंदा गोली भी जो रिकवर किया है। गुमला में जिले में सावन की पहली सोमवारी पर विशेष उत्साह का माहौल देखने को मिला। जिले के विभिन्न शिवालय में लोग भगवान शिव की पूजा अर्चना करते हुए देखे जा सकते हैं। लेकिन इन सब के बीच जिला मुख्यालय में स्थित बुढ़वा महादेव के प्रसिद्ध मंदिर में लोगों की विशेष आस्था और विश्वास देखने को मिल रहा है। जिले के विभिन्न इलाकों से लोग यहां आकर भगवान शिव की पूजा अर्चना करते हैं। इस स्थान की खासियत है कि यहां शिवलिंग को स्थापित नहीं किया गया है, बल्कि एक पीपल के पेड़ में काफी सालों पहले ही शिवलिंग निकला था। ऐसी मान्यता है कि जिसकी पूजा मात्र से लोगों की मनोकामना पूरी होती है। वहीं इस मंदिर में लोग ऐसे हैं जो कई सालों से यहां पर पूजा के लिए आते हैं, लेकिन सावन में विशेष उत्साह देखने को मिलता है। और इस वक्त ऋषिकेश से एक बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें, उत्तराखंड से इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही है ऋषिकेश से। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। सावन के मौके पर देवघर के मंदिर में आज आस्था का जन सैलाब उमड़ पड़ा। 2 साल के बाद आयोजित होने वाले श्रावणी मेले के पहले सोमवार को तकरीबन 2 लाख कांवरिया अब तक देवघर में पूजन अर्चन के लिए कतार लगाए खड़े नजर आए। वहीं श्रद्धालुओं की लंबी कतार देखने को मिली। बता दें कि श्रावण महीने में ही समुद्र मंथन हुआ था और सोमवार को एक विशेष फल की प्राप्ति हुई थी। वहीं बाबा धाम देवघर में कांवरियों भक्तों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। भीड़ का आलम यह रहा कि देर रात से ही श्रद्धालु दर्शन के लिए लंबी लंबी कतारों में खड़े होकर अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे। घुमा दी बनियाल बड़ा